हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहाँ पे एंट्री हो सकता है और बैंक निफ्टी कौन सा पैटर्न में फॉर्म कर रहा है। तो आपको पता होगा शायद मैंने 1 वीक पहले मैंने एक बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड दिया था आपको। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया था ट्राइंगल शेप में अभी बैंक निफ्टी घूम रहा है। ये लोअर हाई एंड हायर लो बना के एक ट्राइंगल शेप फॉर्म हुआ है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक W पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट। तो यहाँ से मुझे लगता है अगर ये जो नेकलाइन दिया हुआ है मैंने 27,000 ऑलमोस्ट 200 का आसपास होगा, तो इसको ब्रेकआउट करेंगे या तो अगर ब्रेकआउट कर दिया तो वो जाएगा 27,400 का आसपास, राइट। ये मेरा टारगेट है। और आपको कल बताया था मैं ये यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्टिंग लाइन है, जिसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रांग सपोर्टिंग लाइन। तो ये सपोर्टिंग लाइन जब मार्केट इधर आएगा तो आपको बाय करने के लिए बोला था। अगर बाय किया तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अभी तक प्रॉफिट मिल शायद आपको प्रॉफिट मिल रहा हो। तो यहाँ से देख सकते हैं मुझे जो आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है तो आप पोजीशन को 27,400 तक होल्ड करना चाहिए, राइट। और जो नया ट्रेडर है, जो नया एंट्री फ्रेश एंट्री के लिए वेट कर रहा है, तो उसको 27,200 को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर मार्केट रिवर्स आ सकता है, क्योंकि मार्केट और एक रेंज में चल रहा है। ये तो हो गया आपका लॉन्ग रेंज, राइट। ये हो गया आपका लॉन्ग रेंज, राइट। तो और एक इसका बीच में एक छोटा रेंज में चल रहा है ये पोर्शन से, राइट। ये पोर्शन से आप देख सकते हैं एक छोटा रेंज में चल रहा है, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, राइट। तो यहाँ से फ्यूचर रिवर्स हो सकता है। तो अगर आपने नया एंटी करना, नया आप न्यू एंटी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप अगर SL लगाएगा तो SL हिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में जिसने एंटर किया तो इसका SL तो नीचे है। तो अगर रिवर्स भी होगा तो मार्केट SL हिट नहीं होगा। अगर नया फेस एंट्री करेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंट एरिया है और एक रेंज में चल रहा है, राइट। ये एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो इसलिए इसको ब्रेकआउट करना चाहिए और टारगेट आपका रहेगा 27,000 न्यू एंट्री के लिए, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर 4 आवर ये अगर 15 मिनट में, तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ही रेंज दिया था आपको और ये मैं 27,000 ऑलमोस्ट 200, तो इसको मैं PBS हायर पॉइंट के आसपास लगा देता हूँ। 200 के आसपास आएगा, 200 का ऊपर आप बाय ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे तो फिर से अगर मार्केट नीचे आ गया तो फिर से एक बार एंट्री कर सकता है और ये नीचे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि आज गैप अप ओपन हुआ है तो गैप अप फिल अप करने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है और मूविंग एवरेज के आसपास आएंगे तो आप एंट्री करके कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट था, हायर पॉइंट बनाया, ये लोअर हाई बनाया, जो पहले लो था उसको ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से ये हायर हाई बनाया, तो एक लोअर हायर लो बना सकता है यहाँ पे, राइट। हायर लो अगर बनाएगा तो यहाँ पे हम एंटी करेंगे, SL इसका नीचे रखेंगे और टारगेट 27,400 के आसपास रखेंगे, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।